हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं 2262 स्कूल की टेरेस पर। 2262 स्कूल जिसके लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई यहां पर और स्कूल के बारे में बहुत सारी मालूमात दी गई। ये एक ऐसी स्कूल जिसको डिजिटलाइज किया गया है। मैं इसको आप लोगों को बता दूँ कि इसका जो प्लॉट एरिया है वो तकरीबन 9500 स्क्वायर फीट है और बिल्डअप एरिया जो है तकरीबन 28000 स्क्वायर फीट है। 1920 बच्चों की कैपेसिटी है यहाँ पर, फर्स्ट टू नाइन स्टैंडर्ड तक है, लेकिन 10th तक की यहाँ पर परमिशन है। और ये स्कूल जो है ये ओनली फॉर गर्ल्स, सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके बारे में कि भिवंडी शहर में ऐसी ना जाने कितने स्कूल नगर पालिका की सालों से पेंडिंग पड़ी हुई हैं। उनके स्ट्रक्चर पर कोई काम नहीं होता, उनके मेंटेनेंस पर कोई काम नहीं होता, उनकी एजुकेशन पर कोई काम नहीं होता। ये ऐसी पहली स्कूल है जहां पर ये सारी चीज़ें ये की गई है। अब देखना ये है कि ये स्कूल को मेंटेन किस तरह किया जाएगा, क्या जैसी ये बनी है ये एंड तक वैसे ही होती है, या सिर्फ ये इलेक्शन का एक जरिया है कि आप लोग इसको देखिए और देख कर वोटिंग कीजिए। ये आप लोगों को तय करना है, पता चलेगा वक्त आने के हिसाब से कि स्कूल को मेंटेन किस तरह किया जा रहा है। तो चलिए हमने बात की रईस शेख साहब से, उनका एक छोटा सा कॉन्फ्रेंस है, पहले वो दिखाते हैं और हमारे कुछ सवाल जो हमने रईस शेख साहब से किए स्कूल के ताल्लुक से और स्कूल के अलावा भी एक सवाल किया, चलिए देखते हैं उन्होंने उसका क्या जवाब दिया। सर, 2262 स्कूल आज जो उसकी ओपनिंग, कल उसकी ओपनिंग होनी है, इसके बारे में कुछ बताइए सर। देखिए, 2262 स्कूल अभी हमारी शान बन गई भिवंडी की। आज ये स्कूल को अगर आप देखें तो जितने प्राइवेट स्कूल है उससे काफ़ी अच्छी स्कूल बनी है। 100% डिजिटल है, उसके अंदर लेबोरेटरीज है, साइंस की कंप्यूटर लैब है, लाइब्रेरी है, बच्चे बहुत खुश है। आज हमने एक दिन पहले सारे पत्रकारों को स्कूल दिखाया, 100% डिजिटल, 100% बच्चियों की स्कूल, और हमें इस बात का फख्र है। एक अच्छी स्कूल, एक अच्छी शुरुआत, एक नई पहचान भिवंडी के एजुकेशन को हम देने जा रहे हैं, उसमें हम कामयाब हो रहे हैं। तमाम लोग मुबारकबाद दे रहे हैं। अब ये है चैलेंज कि इसको मेंटेन रखना, इसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करना। और भी स्कूलें हैं जो स्कूलों में जो आप बता रहे हैं कि लैबोरेटरी है, कंप्यूटर क्लास है, ये सारी चीज़ें तो हर जगह हर स्कूलों में होती है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि उनका जो मेंटेनेंस है उनको मेंटेन करना ये सबसे बड़ा मुश्किल काम है, वो मेंटेन होता नहीं है। हमारी एनजीओ से इनको एक साल हम साथ देंगे, जहाँ जहाँ इनको डिफिकल्टी आएगी, जहाँ स्टाफ की कमी होगी, इम्प्रूवमेंट करना होगा, हम कोशिश करेंगे इनका हाथ पकड़ के इनको साथ में ले चले, ये पूरा प्रोसेस हम करने वाले। ये तो बच्चियों के लिए हो गया सर, लड़कों के लिए नहीं, ये स्कूल पहले से ही बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए है, लेकिन लड़के भी तो पढ़ने के लिए जाते हैं सर। और ईस्ट में ऐसी कई सारी स्कूलें और भी हैं। स्कूल देखिए ना, 104 बंद हुई जी, वो अभी 2 करोड़ से बन रही है, 67 बन रही है, आज भी बंद हो गई थी वो बन रही है। मैं पहले जो स्कूल बंद होने वाली उस पर ध्यान दे रहा हूँ, ताकि स्कूलें बंद ना हो। आप देखिए, नई बस्ती में एक स्कूल बंद होने वाली थी, उसको रिपेयर दिया। बाला कंपाउंड की स्कूल बंद हो रही थी, उसको फंड दिए। क्या है, कोशिश करो कि स्कूल बंद ना हो पहले, तो वो प्रोसेस चालू है। क्वेश्चन है पब्लिक, लोगों का पब्लिक का एक सवाल है कि अगर मौका मिलेगा तो पूछेगा, ये जो स्कूलें बन रही हैं और डिजिटलाइज हो रहा है सारी चीज़ें, तो क्या कभी इसमें नेताओं के बच्चे भी एडमिशन लेंगे या सिर्फ गरीबों के ही रहेंगे? क्योंकि लोग बोलते हैं कि स्कूलें बन जाती हैं, एजुकेशन अच्छा नहीं होता, और क्या होता है कि नेता लोग अपने बच्चों का एडमिशन भी उसमें नहीं करवाते, गरीबों के बच्चे ही पढ़ते हैं से उसके अंदर। देखिए, मेरी सोच ऐसी है कि आप अगर ये स्कूल देख रहे हैं तो आप जाके मेरी बच्ची की स्कूल देखिए। मैं कोशिश करता हूँ कि वो स्कूल की तरह मैं इसको बना दूँ, ये भी एक सोच है ना। अब बम्बई से तो मेरी बच्ची यहाँ पढ़ने नहीं आएगी, लेकिन वो इरादा मेरा है कि आज उस लक्ष्य में, आपके बोलने की ज़रूरत नहीं, मैं पहले से ये कोशिश करता हूँ कि अगर मेरी बच्ची जिस लेवल पर पढ़ रही है उसके बराबर मैं हर स्कूल को बनाऊं। तो आज अगर बुशरा की स्कूल डिजिटल है तो यहाँ भी डिजिटल है, बुशरा के स्कूल में टर्फ है यहाँ भी है, बुशरा के स्कूल में कंप्यूटर लैब है यहाँ भी है, बुशरा के स्कूल के अंदर साइंस लैब है तो यहाँ भी है, असेंबली हॉल है, कैंटीन है, वॉशरूम्स हैं, और एजुकेशन का जो मैार है उस पर मुसलसल काम हो रहा है। टीचर्स एक्चुअली, गाँव के बच्चे अगर यहाँ नहीं पढ़े तो अपनी एक मजबूरी होती है। बोलने के लिए बहुत अच्छी डायलॉग है कि नेता के बच्चे यहाँ पढ़ना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हर स्कूल, हर बच्चे को समान तरीके से एजुकेशन का स्टैंडर्ड मिलना चाहिए, वो आपका लक्ष्य होना चाहिए, उस पर हम काम कर रहे हैं। इस स्कूल में स्पोर्ट्स को लेकर भी कोई चीज़ें हैं सर जी? देखिए, बच्चे खेल रहे, ऊपर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर, एक्टिविटीज़ क्या होंगी? जो टेरेस उसको टर्फ बना दिया है, तो जो भी गेम्स खेलना चाहे, फुटबॉल चाहे, जो भी बास्केटबॉल, सारी फैसिलिटीज़ है। अगर एक सवाल करना चाहूँगा, आप इजाज़त दें आउट ऑफ द बॉक्स, अगर आप कहें
आप एक पब्लिक जानना चाहती है कि क्या रईस शेख साहब फिर से समाजवादी से लड़ेंगे या किसी दूसरी पार्टी से? आपके इंटरव्यू का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए ठीक है, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, देखा आपने कि रईस शेख ने किस तरह हमारे इस सवाल का जवाब देने से गुरेज किया। इसका मतलब शायद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के अंदर कुछ अंदरूनी मामलात ऐसे चल रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले वक्त में रईस शेख साहब किसी दूसरी पार्टी से भी MLA लड़ सकते हैं, भिवंडी ईस्ट या भिवंडी वेस्ट। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये आपसी मामलात हल करके दोबारा उसी पार्टी से इलेक्शन लड़ते हैं या फिर इनको किसी और पार्टी में जाने की ज़रूरत पड़ सकती है।